फिंगर्स क्रॉस गाइस रूम मिल जाए। नहीं आज जाएंगे दूसरा आएंगे अभी। अच्छा मतलब अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी अवेलेबिलिटी कैसे मिलने आए थे अब? अभी सब प्लान कैंसिल। शशि ने समझ आता कि कहने पे मैंने व्लॉग किया और पूरा व्लॉग फेल हुआ। कुछ फेल नहीं हुआ गाइस, ये व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे गाइस। एक कहावत बती है, लौट को बुद्धू घर के आए। तो हम बुद्धू घर को आते गए थे बट जीत है कि मानता नहीं। अभी उर्वेश के मामा जी के बंगलों में जा रहे हैं। तो गाइस पार्ट टू ऑफ व्लॉग है स्टार्टेड, करनी शुरू हो गई है। आर यू रेडी फॉर 2.0? उमंग इज ड्राइविंग टू लोनावाला। अभी दो दिन फुल चिल करने वाले हैं, उसका व्लॉग, सिनेमैटिक्स, ड्रोन शॉट्स, ये वो, यू नो, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स टू बिकम अ 101 प्रो व्लॉगर। यस, वो सब आपको देखने होंगे। हाँ चल निकालते हैं ये। अरे पूरा कीचड़ में गाड़ी उतार दी खेत। थोड़ा तूने शायद मेरे को नहीं, ये आगे वजन आ गया ना तब धस गया हो। एडवेंचर हो गया गाइस। राइट काट ले थोड़ा और पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। हां बहुत बढ़िया। राइट मैं तो बोलता हम लोग उतर जाएंगे, गाड़ी का वजन कम हो जाएगा फिर। हां उतर जाते हैं। मर्सी स्ट्रगल कर रहा है गाइस। मर्सी हाय, ये गाड़ी निकल गया। आइए ओपी, थोड़े से स्क्रैचेस के साथ फाइनली पहुंच गए। लग रहा है कुछ उर्वेश किसी बात का बदला तो लिया है। तो गाइस अभी प्रॉपर्टी का व्यू और ये सब अभी हम लोग इधर में क्या क्या करेंगे कल दिखेगा, ठीक है? तब तक आप यही देखो और थोड़ा हाथ दो गाइस। Guys, it's 7 in the morning. रात को हमको शूट नहीं कर पाए बट इट वॉज टेरेबल। फाइनली बंगलोर पहुंच गए थे। अभी आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे हमारी गाड़ी कल कैसे फंसी थी। ये बंगले का बंगलो का आने का एक गेट है। राइट यहाँ से एक रोड जाता है जो कि खेतों में, वो सामने जो आप देख रहे होंगे वो वहाँ पे खेती हो रही है, वो रास्ता बंद है। दूसरा रास्ता आता है ये यहाँ से, यहाँ तक हम अपनी गाड़ी डाल दिए उस मड पैच पे से। और आई डोंट बिलीव, वो देखो वहाँ पे, वो जो आप देख रहे हो ना, वो एक कुआं है, वो एक बाउंड्री है। वो इतना सा वो पैच था जिससे गाड़ी आ सकती थी। गाड़ी लेके आए कैसे तैसे करके। ये व्यू देखिए सुबह सुबह से लगभग। लाइफ में एक टाइम के बाद आके ऐसा ही जगह पे आके रहना है। Look at those cloud covered mountains, raining heavily, huge. और अभी एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया, आदित्य ठाकुर और उर्वेश यहाँ से ड्रोन उड़ा रहे थे। वो ड्रोन वहाँ कहीं उड़ता उड़ता वो बिल्डिंग को क्रॉस करके कहीं बहुत दूर चला गया। अब वो लोग दोनों रेंज के बाहर चले गए ड्रोन ढूंढ के। सीनियर संवाददाता आपका क्या कहना है? बहुत बुरा आवाज होगी वहाँ। आपको क्या लगता है ड्रोन मिल जाएगा? और हम लोग ड्रोन उड़ा रहा था, अभी हमारा ड्रोन कहीं तो जाके क्रैश हो गया ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर बाद। और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमें हेल्प करी, ये लोग ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, इनके बिना मिल नहीं पाता। ड्रोन था इधर, हम लोग इसको फॉलो करते करते आए। इतना हम लोग पिछले आधे एक घंटे से ढूंढ रहे हैं। अच्छा एडवेंचर था लेकिन। अभी वापस से खेतों के बीच में से हमारे चप्पलों पे अत्याचार करके हम वापस जा रहे हैं। गाइस आ गए फाइनली। उनके साथ और भी कुछ बिग फैंस हैं। वो देखिए हाथ हिलाता बॉटल नहीं है, बॉटल मुंबई है। ये सीनियर संवाददाता है बिलियन से। बाबा लोग
चलिए आइए अब रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं इनके मुंह से। विंड आया हम लोग का ऐसा उड़ा है ना तो वो पूरा अलग डायरेक्शन में चला गया। ठीक ठीक है रिटर्न टू होम पॉइंट और ऑप्शन होता है रिटर्न टू होम पॉइंट। हां पर पता नहीं है वो गेमिंग हाउस आ रहा था, हमने टेक ऑफ इधर से किया था लेकिन वो लैंड गेमिंग हाउस आ रहा है। ये रहा अपन, अरे ड्रोन इधर जाके लैंड हुआ था तो हम लोग को पता नहीं लग रहा है किधर ड्रोन, ये बस एक फोटो दिखा रहा था उसमें। अब हम लोग सारा उधर बैकग्राउंड देख रहे थे ये है कहाँ, फाइंड माय ड्रोन ऑप्शन नहीं होता तो जिंदगी में नहीं मिलता ऐसी जगह पे। चलिए अच्छा है डीजे मैविक पैसा दिया हुआ वर्थ इट हो गया। उमंग 2 मिनट का व्लॉग नेक्स्ट संभालेगा। 2 मिनट? हाँ क्योंकि उमंग जा तो 2 घंटे के काम के लिए ना, बट 2 मिनट में कवर अप हो जाएगा। चलो तो अभी आदित्य ठाकुर टेक ओवर कर रहा है नेक्स्ट 2 मिनट व्लॉग में। ठाकुर शूट कर लेगा उमंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। और उमंग कहाँ जा रहे हैं? कल का जो कीचड़ लगा है दिख रहा है ऊपर तक उड़ा है वो हमको लगा पहले क्योंकि ड्रोन में लास्ट फुटेज में वो बंगला दिखा रहा था लेकिन गिरा वहाँ पे वो साइड पूरा। पास घूमने के बाद एक मिला है और बारिश की वजह से हम लोग भी अंदर ही बैठे हैं और बाहर काम चल रहा है पूरा। 4 आदमी लगा दिए एक गाड़ी पे। तो भाई क्या प्लान है फिर? प्लान तो यार वही रिलैक्स करने आए थे। तेरा फर्स्ट व्लॉग जो तेरे एडिट करा है तब तक इसका रिस्पांस भी दिख जाएगा। एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का काम हुआ अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी लॉस्ट, हमारा जो जॉर्डन्स खोया वो तो खोया। यहाँ पे विलेज पे एक देवी जी का यहाँ पे एक मैंने टेम्पल सुना है बहुत, जो यहाँ के लोगों ने और हमारे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम DM मेरे को स्टोरी में आए। उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो पता नहीं था, मगर अब पता चल गया यहाँ पे एक वीरा देवी जी का टेम्पल है। बहुत श्रद्धा है लोगों की उस टेम्पल की तरफ। तो बट अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट ये है कि हम लोग प्लान किए थे मेरे मर्सी की शाम को जाएंगे आज टेम्पल में हम सब। प्रॉब्लम ये हो गई कि आप जो पता लगा है, एक हमारे जानकार अभी बात हुआ फ़ोन पे और एक यहाँ के लोकल मिलने आ गए थे तो वो उन्होंने भी बताया कि रास्ते बंद है बट यू आर नॉट अलाउड टू गो। और कुछ ऐसा भी सुना था ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी कोई यहाँ पे केव है, मतलब हमको हिस्ट्री नहीं पता तो हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बट कोई केव है शिवाजी महाराज जी से रिलेटेड, तो वो भी बड़े उसमें भी बहुत लोगों की आस्था है। ऐसा हम लोगों का प्लान था कि भाई अगर कोविड ना होता तो जाना ही था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बंद भी है और कुछ कोविड का सिचुएशन ऐसा भी था कि दूर से ही हाथ जोड़ लिए। और क्या इससे अच्छा क्या होगा कि हमारे सामने मंदिर का नज़ारा है, हर समय देवी जी के दर्शन हर समय होते रहते हैं। कमर से क्या हुआ था अभी, तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे खाना लेने। रिकॉर्ड किया तुमने? हाँ बहुत सारा। जाने तो दिया, देखा मैं पुलिस खड़ी थी, हम लोग देखा भी, हम लोग जा रहे हैं वापस आया, बोलता अंदर नहीं जाने देगा गाड़ी, लड़की में जाते हम लोग रह रहे हैं अंदर, नहीं गाड़ी नहीं जाने देगा। तो बेसिकली गांव में सिर्फ गांव वालों की एंट्री थी। हाँ मतलब वो लोगों को बाहर का। तो गाइस देखो हम कितनी सेफ जगह पे हैं गांव में रह के। मैंने तो खाया गांव का बना हुआ खाया फूड, बट ये इंग्लिश पीपल चाउमीन खाने आए हैं, गांव का फूड खाया हमने तो रोटला और वो खाया बाजरे का रोटला। एक झापड़ दूंगा ना रोटला और बाजरे का, सब काटे से भाजी कुछ नहीं आना। ये उमंग और आदि ये सब खा रहे नॉर्थ इंडियन शाही पनीर गार्लिक नान, ये नूडल्स खा रहा है। हम और मर्सी खाया पूरा महाराष्ट्र मालवानी फूड, रिलैक्स हो गया मैं। पूरा पूरा क्या बोला? कुछ नहीं क्या बोला तुम्हारा? बोल परसों चलना है कैसे? नमन अभी भी टाइम है, सूरत में अभी कोविड केसेस कम है, अभी भेज सकता है थर्ड वेव शुरू होने से पहले, इससे पहले इसको बहाना मिले कि कोविड या ट्रैवल नहीं कर सकता। Why are we still here? Just to suffer every night. पायलट आप क्या बोलना चाहेंगे? डॉगी एक अलग अटैचमेंट हो गया था उसके बाद, क्योंकि
रात भर वहाँ पे था, जब जब जो भी मूवी है वाह। So guys, ये प्रॉपर्टी का तो क्या था मेन थी वो इलाज जिसके साथ हम लोग खेलने के लिए आए थे। सुबह 7 बज रहे हैं, हमको रियलाइज हुआ कल कि हमारा सेकंड फ्लोर पे जो सरप्राइज आपने स्टोरी देखा था वो आज ऑलमोस्ट कंप्लीट होना है। तो नमन के उस टाइम पे स्क्रिम्स होंगे और कोई होगा नहीं इंस्पेक्शन करने के लिए, पर हमने तो सोचा था 12-1 बजे यहाँ पे आराम से आयरल वायरल करेंगे, फोटोशूट करेंगे फिर जाएंगे। बट अभी मुझे एकदम से रात को रियलाइज हुआ कि आई कांट बी रिस्पॉन्सिबल दिस वे, इसलिए अभी 7 बजे सबको उठा दिया गया है, पैकिंग हो रहा है एंड वी आर सून अबाउट टू गो बैक टू गेमिंग हाउस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सीनियर संवाददाता ने बहुत ही जल्दी सबको उठा दिया है और अभी हम लोग तैयारी क्या मतलब अभी हम लोग जाने ही वाले हैं। तो उसके पहले पूछते हैं आपको इधर आके कैसा लगा? बहुत रिफ्रेशिंग, एकदम रिलैक्स हो गए, ना कोई भीड़ ना कोई आदमी, चारों तरफ जहाँ तक देखो सिर्फ नेचर है, और नेचर तो आपको पता ही है, पूरा टेंशन खत्म हो गया लाइफ का। और कैमरामैन आदि, क्या आपने सिनेमेटिक लिया था ड्रोन का? हाँ। अभी अभी हम लोग जाने वाले हैं। हाँ। जल्दी लो कैमरा भेज रहे। फनी इंसिडेंट हुआ अभी लोनावाला से निकलते ही, वहाँ जाके एक भारी समस्या हो गई कि हम लोगों ने वड़ा पाव पैक करा लिया 10, और सिंस मैं कैश लेके नहीं आया था और जो लाया था वो मैं कल कंज्यूम करवा दिया था, 180 का बिल हुआ था। फिर क्या हुआ, सब लोग ने अपने वॉलेट से 10-10 रुपया जमा, अपना जो भी बचा के रखे थे हम लोग जो कि हमारा आखिरी पैसा था सेविंग्स, अभी वही 10-15-20 रुपया हमारे पास तो था भी नहीं, हम तो वैसे भी गरीब ही है। उमंग से थोड़ा 100 निकल गया, एक आदि ने भी अपने इनर पॉकेट से 20 रुपये निकाले, हमने निकाल के दिए तुम्हारे इनर पॉकेट से, छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करके हम लोग ने बिल पे किया। मैं सिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगा। So guys, that's the end. We are wrapping it up. हमारे सीनियर संवाददाता का एपिसोड आने वाला है 3 दिन में। बार बार एक्सपेक्टेशन रखना मत, पूरा रॉ था जो था जो दिखा। क्या बोलते, पहुंचे लेकिन 2 दिन बहुत शांति से, बहुत शांति। चलो टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर, मत कर काया का अभिमान, काया गार से कांची।